कैसा गठबंधन है, टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है। ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है, अब लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है, ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है। नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। पहले कांग्रेस, फिर सपा और अब आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे आरजेडी ने परिवर्तन पत्र नाम दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो 15 अगस्त से नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देंगे। हम लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इतना ही नहीं, हम अग्निवीर योजना को वापस लेंगे और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देंगे। बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश से लागू करने और ओल्ड पेंशन स्कीम समेत तेजस्वी यादव ने देश की जनता के लिए 24 वचन दिए। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आरएलडी का घोषणा पत्र जारी होते ही भाजपा एक बार फिर हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। अलग अलग घोषणा पत्र जारी होने पर अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दे दिया। ये तो कैसा गठबंधन है, गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती है 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाते, ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती, अब लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया, अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है और भाजपा का यही कहना है कि विपक्ष को CMP यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करना चाहिए, लेकिन जिस तरह विपक्षी गठबंधन के दल अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा विपक्षी गठबंधन पर हमला बोल रही है। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।